तो ये आ चुके हमारे चपली कबाब, बड़े डिलीशियस से, साथ इसके खमीरी रोटी, साथ बड़ी रोटी साहब नहीं है ये, रोटे है, रोटे है, रोटे रोटे अखड़ा मेरे मुंह से कितनी बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका आज के व्लॉग में। करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और आपका भाई भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी, बहुत बोरिंग ईद है यहाँ पे। तो खैर आज लग रही थी भूख, मेरे खाने को कुछ है नहीं था, तो मैंने बड़ी साहब को कहा यार आज कहीं बाहर चलते हैं और गली मोहल्ले में आज कुछ खाते हैं। बड़ी साहब सलाम वालेकुम, जवाब मुंह से दे दे, कैसे ऊपर हो जाए फुटपाथ पे, ठीक ठाक है जी अल्लाह के। कहाँ लेके जा रहे हैं आज हमें गली मोहल्ले खाने में? आप ये आपने मुझे बताया इस स्ट्रीट फूड का जो गली वाली है, तो क्या मिलता है यहाँ पे खाना? खाने में क्या बहुत दिलचस्प। नहीं मैंने तो सुना मशहूर यहाँ के जो है वो चपली कबाब है ऐसी। तो खैर अभी हम जा रहे हैं, हमारी 49 स्ट्रीट है और हम जा रहे हैं 45 स्ट्रीट में। सर यहाँ पे सीन ऐसा कुछ है कि आपको कहीं भी जाना है तो पैदल ही जाना है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है तो टैक्सी पे तो हम जाते नहीं है, तो इसीलिए ग्रैंड मॉल भी जाना है तो हमने पैदल ही जाना है। ये वहाँ जाते हुए 20 मिनट लगते हैं और यहाँ अभी जहाँ हम जा रहे हैं इधर भी 10-15 मिनट लग ही जाएंगे। तो ये पूरी स्ट्रीट है काफ़ी लंबी, हम 45 स्ट्रीट में आ चुके हैं। और कितने दूर है भाटी साहब यहाँ से? वो राउंड अबाउट क्रॉस करके नहीं, ये राउंड अबाउट आ रहा है ना आगे सामने के साथ लेफ्ट राइट राइट। अच्छा तो सामने आ रहा है यहाँ से कोई 500 मीटर पे, कम से कम 500 मीटर पे एक राउंड अबाउट आ रहा है, तो वो क्रॉस करके राइट है पता नहीं लेफ्ट है। 500 मीटर चल भी तो लिया ऑलरेडी, 500 ज्यादा चल लिया, ज्यादा 1 किलोमीटर चल लिया। तो अभी वहां जाते हैं और मैं तो शायद एक दफा मुझे याद है मैंने खाया होगा, पड्डी साहब तो वैसे जाते रहते हैं वहाँ पे, शेख तो फिटनेस फ्रीक है, इनको पैदल चलता है, इनको पसंद है वहाँ के चपली कबाब। जी आई डू लाइक। और चपली कबाब भी ये बड़ा साइज का है, साथ में वो देते हैं मिंट सॉस। अच्छा पुदीने की चटनी बनी। हाँ तो ये है कि वो चपली कबाब भी काफी बड़े साइज का है, एक बंदा आराम से खा लेता है। तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे, आपको दिखाते भी है वो किस तरह बना रहे हैं। और स्ट्रीट में ही लगाया हुआ उन्होंने, कोई होटल शोटल नहीं है, पीछे एक बस बकाला टाइप है जिसे हम कैफेटेरिया कहते हैं यहाँ पे, और आगे उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। तो खैर बिल्ली क्यों रो रही है भाई? बिल्ली कह रही मैंने भी इस्तकबाल कर रही है आपका बड़ी साहब, बोलने लग गई। नॉट तो यार ये है सारा इंडस्ट्री एरिया, यहाँ पे इंडस्ट्री है सारी, आपको ट्रेल और आपको बड़ी बड़ी बसें इसी तरह की सारी आपको चीजें नजर आएंगी। और हम भी यही रहते हैं काफी अच्छे से रह रहे हैं, हम तो शुरू से यही रह रहे हैं भाई साहब। जी जी सर, कैसा लगता है आपको यहाँ रह के? कैसी फीलिंग आती है? जरूरत है ट्रॉले देख देख के कैसी फीलिंग आती है? हो गई है यार अब क्या करना, रहना है, कमाना है, खाना है। बाहर भी जाते हैं हम इंशाल्लाह, जाएंगे, प्रोग्राम है हमारा जाने का अभी, लेकिन ये है कि वो जाके देखते हैं और मूवी देखने जाना है इंशाल्लाह। तो जाके वो देखते हैं स्ट्रीट फूड किस तरह का है और आपको भी दिखाता हूँ मैं जाके। अच्छा भाई यार ये एरिया है सारा और हम बाहर रोड पे बैठे हुए हैं, ये कैफेटेरिया है, ये मलबार कैफेटेरिया है, तो ये उसका है केरला का, ये सामने बना रहे हैं कबाब भाई, ये पाकिस्तानी है। और हमारे सामने बैठे भट्टी भाई, भट्टी साहब की फेवरेट चटनी है ग्रीन, ग्रीन चटनी वो नहीं रही मैंने लास्ट टाइम खाई, क्या फर्क आया इसमें? थिकनेस थी है, अब वो पाकिस्तानी समोसा वाली चटनी बन गई है पतली पानी। तो खैर अभी वो बना रहे हैं हमारे चपली कबाब और ये सारा एरिया ये आपके सामने ये बैठे हैं सारे लोग और रोड पे बैठे हुए खा रहे हैं। मौसम अच्छा है आज भट्टी में? जी मौसम अच्छा है, हवा, बड़ी छुट्टी होनी चाहिए। क्या करोगे आप छुट्टी में? कहाँ हो ही ना जाए, क्या मतलब ऐसा कभी हुआ है? ये इम्पॉसिबल है। आप हुक्म करो बारबेक्यू सामान मैं लेके आता हूँ, मतलब चिक्के और वो क्या कहते हैं उसको, कर सकते हैं ना कोयले वगैरह। जी तो ये आ चुके हमारे चपली कबाब, बड़े डिलीशियस से, साथ इसके खमीरी रोटी, साथ बड़ी साहब नहीं है ये रोटे है, रोटे है, रोटे रोटे अखड़ा मेरे मुंह से कितनी बढ़ गई माशाल्लाह, अच्छे लग रहे थे आप रोटी के साथ। और ये काफी यम है, इसका पहले टेस्ट किया हुआ मैंने तो इसलिए आइडिया है इसका किस तरह के, फिर भी
टेस्ट करके बताते हैं आपको। अच्छा जी, मैं अभी ट्राई करने लगा इसका बाइट लेके, कैसा टेस्ट है चटनी के साथ लगा के। ओह अच्छा है, टेस्ट बहुत मजे का और जूसी है। वो नहीं है कि जैसे वो सूखे ड्राई हो जाते हैं ना, वैसे नहीं है, मजे के लग रहे। ट्राई करो आप भी एक बार। भट्टी साहब के तो फेवरेट है ये। अच्छा, कबाब का टेस्ट वैसा ही है या बदल गया है? सिर्फ चटनी का टेस्ट बदला है? कबाब ऐसे ही है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हमने खा लिया और कबाब कोई नेक्स्ट लेवल ही मजे के थे। उनमें जो एक तो मसाले का टेस्ट था बहुत मजे का था और सॉफ्ट सॉफ्ट थे, जूसी बहुत थे। तो मैंने दूसरी दफा खाया लेकिन मुझे इसका टेस्ट भूल चुका था बिल्कुल। बड़ी साहब को आई थिंक याद होगा, आपको याद है इसका टेस्ट कैसी था? टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ? नहीं, कबाब सही था, चटनी इन्होंने खच मारी है। हो जाता है यार, वो पाकिस्तानी की आदत है थोड़ी के, जैसे ही आपका कोई रेस्टोरेंट चलने लग जाता है तो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। ऐसी है? नो डाउट। तो खैर, जो हमने लास्ट टाइम खाए थे वहाँ पे ग्रैंड मॉल में, उससे तो बहुत ज्यादा बेहतर थे वो रेस्टोरेंट। एक तो कॉस्टली भी बहुत है, बहुत ज्यादा महंगा है। महंगा तो ये भी है, ₹8 का कम अज कम एक कबाब था ये। और यार यहाँ पे ये है कि आप कहीं से भी कुछ भी खाएं तो आपको महंगा ही मिलेगा, खासकर पाकिस्तानी टेस्ट। तो महंगाई की हम बात नहीं करते, महंगाई तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो खैर, अभी बस ये कि खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं ग्रैंड मॉल, वहाँ पे सीन था हमारा मूवी का। आज नहीं देखनी हमने मूवी, तो वैसे एडवांस में टिकट लेने जा रहे हैं क्योंकि भट्टी साहब को सिनेमा में मूवी देखना बहुत शौक है। ऐसी है, मजा आता है। कौन सी मूवी दिखा रहे हैं हमें? छोटे मियाँ बड़े मियाँ। किसकी है? अक्षय विद टाइगर श्रॉफ। लेकिन पाकिस्तान में नहीं लग रही। क्यों? पाकिस्तान में बॉलीवुड की मूवीज बैन। अच्छी बात है, बैन है। मूवीज में उनके क्या होता है बताओ? क्या होता है पाकिस्तान के खिलाफ? यार वो मूवी है यार भाई, वो सिर्फ मूवी में ही कर सकते हैं। सोच से बाहर आ जाओ बस। तो ये भी उसी टाइप की मूवी है, वही जंग और धमाके और लेना देना, ये वो सारा उसी टाइप की एक्शन मूवी है। तो खैर देख लेंगे, कोई नहीं, खैर है, इसीलिए सिनेमा में देखनी है भाई। चले चलते हैं, देखते हैं। तो एडवांस में देखते हैं अगर टिकट मिलती है। पाकिस्तान की भी एक मूवी आ रही है, उमरो एआर। हाँ वो मैंने देखी है, उसका ट्रेलर ट्रेलर देखा। हाँ थोड़ा है, कमी है, लेकिन दे ट्राइड इट वेल। अच्छा वो भी देखने चलेंगे अगर लगी इधर तो। लगेगी इंशाल्लाह। तो खैर ये सामने आ चुका ब्रिज, और ब्रिज के हमने जाना दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे ग्रैंड मॉल है, तो वहां पे सिनेमा है। अभी तो फिलहाल सिनेमा नहीं दिखा सकेंगे आपको, बाहर वाला बस जहाँ पे टिकट काउंटर है वही पे टिकट लेंगे। तो वो भी कोई पता नहीं है अभी कि एडवांस में मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि अभी तो हमारी ड्यूटी चल रही है। बड़ी साहब की भी ड्यूटी है आज, मेरी भी 2 दिन मॉर्निंग है। तो सैटरडे और सैटरडे नहीं, संडे मंडे को ऑफ है ना? संडे को मेरा भी ऑफ है, मंडे को भी ऑफ है, इन भट्टी साहब का भी सेम है। तो उस दिन हमारा प्रोग्राम है, कहीं बाहर भी निकले। क्यों? क्या क्यों? आपका भी क्यों ऑफ? हमारे ऑफ इस दफा ईद वाले ऑफ जो ना सेम ही रहे हैं, बस एक आधा डिफरेंस आया। जी तो ये आ चुके हम एशियन टाउन, और ईद का सेकंड डे है और रश आपके सामने है। वही जगह रश हो गया यार। अच्छा भी कोई आखिर रश है यार, खुली थे देख। लंगर मंडिया जा रहे हैं। अच्छा भी रश आपके सामने है यहाँ पे, और ये है कि सारी लेबर और जितने भी आसपास इंडस्ट्रियल एरिया में लोग रहते हैं सारे इधर ही है आज। ओए पट्टी रश नगर नहीं आ रहा तू, गुमना हो जाए। ये वही प्लाजा मॉल है जहाँ हम आते होते अक्सर, और यहाँ पे इतना कभी रश नहीं देखा मैंने, आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा रश। बढ़िया, आपने कभी देखा है ऐसा रश? है अच्छा, आज बाहर पे बाहर ज्यादा रश लग रहा है मुझे, अंदर नहीं इतना होगा मेरे ख्याल से। ऐसी क्या कर रहे हैं ऐसे लोग यहाँ पे जो हम कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम निकल रहे हैं। तो ये आ गया जी प्लाजा मॉल की एंट्रेंस, और फोटोशूट चल रहा है इधर। अखीर
ये फोटो शूट चल रहा है ओ भगवान अंदर भी बहुत रश है पटी की बांधते थे कुल्लड़ियां तो छोले या तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे चीज बांट रहे कोई और फ्री में मिल रहा है कुछ अभी गुमना हो जाना आप गुमना हो जाना इधर आ जाओ पास आ जाओ ये राष्ट्र जी टिकट काउंटर पे एक ही टिकट काउंटर है और ये एक काउंटर है फुल रश लगा हुआ है लोग बाहर भी खड़े हैं इंतजार करने के लिए आज ही बड़ी क्या फील है ड्यूटी जाना है मैंने तो कहा था कि बहुत रश होना अब दिल में देख लो आपके सामने दो काउंटर है पटी या हर सेल में होगा काउंटर हर सेल में ये मेन काउंटर है दो काउंटर है और दोनों पे काफी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है कुछ लोग बाहर भी वेट कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए संडे को ही आएंगे तभी लेंगे हमारी किस्मत भाटी साहब आपने वेब सिटी सेंटर से मूवी दिखाएंगे कितने छोटे बच्ची को लेके जाना कितने की टिकट है इधर 20 रियाल और सिटी सेंटर 35 रियाल और जाने का अलग इतने अच्छे हो ना आप 35 वाली टिकट में लेके जाओगे नहीं मेरे गिट्टे जेट मारी गए ने या सिर से मैं मारा क्या कहते तू नहीं मैं मार दूंगा उसको मार मैं को फजा दिया कतर के डोगी बड़े स्लिम फिट हैं जैक सर देखना भाई तो खैर चले फिर घर चले चलो 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 हजम हो गया आपका खाना नहीं अभी रहता है या और कुछ खाना है कुछ चाय शाय पीनी है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ पीनी है तो चाय सामने काफी सारे रेस्टोरेंट है नहीं मुझे नहीं पीनी पाकिस्तानी भी है पल्ली साइड नहीं मैंने नहीं वो जो कसाई वाला रेस्टोरेंट यार इधर वो थी ना जो एमआर उसकी चाय तो लेवल वो क्यों नहीं वो पीनी है मुझे वो पिलाओ वो इधर ही था ये जा रोताना बना मुझे पिलाओ ना पूछ रहे थे ना पिलाओ चाय सलवर रोड पे है वो एमआरए की पिलाओ भाई सलवर रोड पे कहते तो चलो इतने अब ये भी चल गिट्टी चल रहा है इधर जा रहे हैं एससी क्रॉस कर ला इधर एससी की तैसी की गाड़ियां में नीचे दे दे इतनी हिम्मत है किसी में भट्टी के होते हुए मुझे भी ऐसे नीचे हां मैं तो ऐसे हाथ रोक ले तुम जल्दी का